स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक प्लास्टिक को बंद करना है। राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जागरूकता रैली का आयोजन करते हुए सफाई अभियान संचालित किया गया। एनसीसी कैडेटों और स्कूली छात्र छात्राओं ने पौधरोपण भी किया तथा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहन सिंह धामी व वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मरड़ा ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। आज 81 बटालियन एनसीसी की तरफ से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की हार्दिक बधाइयां प्रेषित करती हूं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम आनंदी अकेडमी जीआईसी मंडलसेरा और सरस्वती शिशु मंदिर के कैडेट्स ने आसपास के मंडलसेरा क्षेत्र में साफ सफाई की, पास के सारे नालों को साफ किया, वहां से गंदगी को एकत्रित किया और हमने लोगों को नारों के माध्यम से जागरूक किया कि आप पर्यावरण को बचाए और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। तो मैं बस आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने आसपास के पर्यावरण को बचाए और कम से कम गंदगी करें। धन्यवाद। जय हिंद। 2024 के अवसर पर 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा, आनंदी अकेडमी बागेश्वर और सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज चौरासी के एनसीसी कैडेट्स ने आज मंडलसेरा के तोप भनार में और सरयू नदी के किनारे एक स्वच्छता अभियान और जल संवर्धन के लिए नौले धारे और जो भी स्रोत हमारे पास थे, जिसमें हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी समाजसेवी श्रीमान कृष्ण सिंह मरड़ा जी ने पेड़ भी हमें उपलब्ध कराए थे और स्वच्छता का उनका भी योगदान है। इसका निर्देशन 81 यूके बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी श्री कर्नल रविंद्र भंडारी सर द्वारा किया गया था और आज हमारे कैडेट एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तापमान से और हमारे जल स्रोतों के घटते हुए ये कई कारण हमारे बीच हैं कि किस लिए ये घट गए और आम नागरिक को इनके संवर्धन के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि जल की कमी हमारे पास लगभग प्रतिवर्ष होती जा रही है। जो जल स्रोत पहले आबाद थे आज सूखने की कगार पर और नदियों का जल ग्रामीण क्षेत्रों को अपलिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी है और इस जल आपूर्ति को बनाए रखना और एक स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखना हमारे लिए चुनौती से आज कम नहीं है। जंगलों में लगती हुई आग जो कि एक गैर जिम्मेदार हमारे समाज के लोगों के द्वारा ही एक गैर जिम्मेदारी वाला काम किया जाता है, उस पर भी नियंत्रण रखना और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ताकि ये पृथ्वी जैसी हमें मिली थी उससे भी सुंदर रूप में हम अगली पीढ़ी को इसको हस्तांतरित कर सकें। जय हिंद, जय भारत। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।